कलम ने आपको प्रॉमिस किया था जो 6 एनिमल्स यहाँ से गए हैं हम उनके बारे में आपको बताएंगे, पर उससे पहले ज्योति आपको जो यहाँ पे एनिमल्स हैं उनका हेल्थ अपडेट देगी। मेम साहब सबसे पहले जी सर, इसकी टेल पे ना बैंडेजिंग कर रखी थी, अभी तो ओपन करिए कुछ देर के लिए, तो ये यहाँ पर ना थोड़ा सा टूटी हुई है उसकी बोन, तो सपोर्ट मिले और वो सेल्फ हील होगी उसके लिए हमने उसको क्रेप बैंडेज लगा रखा। तो ये जब आई थी तभी से ही है ये इंजरी? हाँ। तो स्प्लिंट हमने इतनी बाद में क्यों किया? हमने पहले इसको उतना हमें पता नहीं था, और बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, हल्का सा डैमेज है, तो बस सपोर्ट दे रहे हैं उसको। तो पहले बेसिकली हमने नोटिस नहीं किया था कि इसकी पूंछ में भी इंजरी है, सिर्फ पैर का ही इलाज चल रहा था, पैर का, ऊपर से फिर वो प्रेग्नेंट थी, उस चीज पे हमारा फोकस चला गया और वो बैठ ही रह रही थी ना मोस्टली, तो अब हमारी नोटिस में आया। तो अभी इसका स्प्लिंट अभी टेम्परेरीली खोल रखा है जी, क्योंकि दिन भर लगा रहता है, थोड़े टाइम के लिए खोला है, फिर थोड़ी देर में लगा देंगे इसको। एक पीछे देवयानी की तबीयत खराब है? हाँ जी सर, उसको इनिशियल लेवल पे टिक फीवर ही था, ब्लड लेवल्स में काफी चेंज आए थे, अभी वो काफी से। किस सिम्टम में क्या फर्क था, मतलब कि देखने में कैसे पता लगा? देखने में नहीं पता लगता ना, तो पहले हम रेगुलर चेकअप जो करते हैं उसमें हमने ब्लड टेस्ट लिया तभी हमें समझ में आ गया था, हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं कि वो ढीली थी थोड़ी या खाना नहीं खा रही थी? नहीं, और उसी दिन वो फिर बैठी ना, फिर वो उठ नहीं रही थी, तब वो डीले हुई ना, तब हमने फिर उसको एक शाम पूरी मेडिकेशन वगैरह की, नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ठीक थी, पूरा ऑब्जर्वेशन में थी एंड अभी वो बिल्कुल सही है। बाकी आपने दो एनिमल्स का और अपडेट देने थे? हमने डाकू का भी आए जो सूचरिंग हुआ था उसका, उसको भी रिमूव कर दिया, डाकू अभी नेहा के पास ही फॉस्टर हो रहा है, अभी वो अडॉप्शन के लिए है, तो अभी हम बस वेट कर रहे हैं। तो आई सूचर रिमूव मतलब आई ठीक हो गई? सब कुछ ठीक हो गया, डॉग बिल्कुल ठीक है, इसलिए अब वो अडॉप्शन में है ना। साथ में हमने जो मार्बल का बच्चा आया है जिसका नाम हमने कांचा रखा है, उसको भी मेडिकेटेड बाथ जैसे ही धूप निकलती है। कंचा है उसका नाम, कांचा नहीं है, कंचा। तो कंचा की भी हमने मेडिकेटेड बाथ शुरू कर दी, काफी बेटर है उसकी सिचुएशन अभी, बॉडी जो भी डेड स्किन थी वो रिमूव हो चुकी है, अभी काफी बेटर लग रहा है पहले से। तो मार्बल से ज्यादा रिस्पॉन्ड करे क्योंकि मार्बल की सिचुएशन में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है ना, बहुत वीक थी ना इसलिए आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो डेड स्किन थी ऊपर वो पूरी निकल चुकी है मार्बल की। और जो कंचा है उसके बाल आना शुरू हुए? अभी तो सिर्फ स्किन क्लियर हुई है, फिर अभी डाइट थोड़ी सी अच्छी रखी हमने तो वो हेल्दी भी हो रहा है, अब जैसे टाइम लगा वीकेंड को, लेकिन फिर जब फर्क आना शुरू होता है तो वो बहुत फास्ट हो जाता है ना। हमने रस्टी को रिलीज कर दिया जो कि काफी समय से हमारे पास था, उसको सिर्फ एक मैगेट वुंड था, लेकिन जब हमने उसकी कैस्ट्रेशन की थी, क्योंकि इस महीने में मॉइस्चर की वजह से दिक्कत आने लगती है, तो इस वजह से वो थोड़ा लंबा रह गया, लेकिन अब वो रिलीज हो गया है पूरी तरीके से, ठीक हो गया। रोड रोलर जिसको पूंछ के नीचे वाले हिस्से में वहाँ पे बड़ा सा मैगेट वुंड था, उसको भी हमने पूरी तरीके से ठीक करके रिलीज कर दिया, उसकी कैस्ट्रेशन भी पहले ही हो चुकी थी। जो ब्लैक किटन जिसको मैं फॉस्टर कर रही थी, उसके इन्फॉर्मर से जो उसे यहाँ लेकर आए थे उन्होंने ही उसको अडॉप्ट कर लिया वापस से, एंड बगीरा अडॉप्ट हो गया, बगीरा के साथ भी सेम हुआ। मैंने बस उनको फ़ोन किया था कि सर हमारे पास जगह की बड़ी दिक्कत हो रही है, अभी मुझे और रेस्क्यूज लेने के लिए बगीरा को वापस ड्रॉप करना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आ जाता हूँ और खुद उसको वहाँ छोड़ आऊँगा, और जब वो आए तब तक उनका मन बिल्कुल पक्का हो गया था कि नहीं मैं ही इसको रखूँगा करके। हम वैसे तो रेस्क्यूज में कोई पक्षपात नहीं करते, पर हाँ अगर ये है कि एक एनिमल आप यहाँ से ले जा रहे हैं तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे कि एक एनिमल आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बगीरा का मैंने ये कहा था कि अगर सुशी अडॉप्ट नहीं होती तो हम बगीरा को रिलीज कर देंगे, तो तुमने इसको अडॉप्ट करा दिया बगीरा को। हाँ, अच्छी बात हुई कि मैंने उनको कॉल किया और उसके अगले दिन सुशी भी अडॉप्ट हो गई। तो सुशी को नकुल ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन एक थोड़ी सी सैड न्यूज थी कि जो कूल कैट जो हमारे पास एक आई रिमूविंग सर्जरी जिसकी हुई थी वो अडॉप्ट हो गई थी, बहुत अच्छे घर में थी, लेकिन उसको वापस यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि जो एक और किटन थी अडॉप्टर्स के घर में बहुत ज्यादा फाइट हो रही थी दोनों के बीच में, इस वजह से वो वापस यहाँ अडॉप्ट करके गए। कल जो बछड़ा आया था मैं आपको उससे भी मिलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सैड न्यूज है, जिमी कंद नहीं बचा। नहीं बच पाया सर, बार बार ब्लोट हुआ जा रहा था, ट्रीटमेंट दे रहे थे लेकिन क्योंकि उसका सामने वाला पैर ही फ्रैक्चर था, बहुत ज्यादा देर वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था एंड उसकी तबीयत भी काफी खराब हो जा रही थी, सारी ट्रीटमेंट के बावजूद भी हम उसको नहीं बचा पाए। इसके सींग पे भी चोट थी कल, मैंने कल नहीं देखा। एक्सीडेंट हुआ था, ये तो क्लीन हुआ ना आपके देखने के बाद, पूरा क्लीन करके जिंक ऑक्साइड लगाया गया। मैं गई थी जिस दिन ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे क्योंकि मेरे को इसका कंडीशन देखना था, तो नोज से भी ब्लीडिंग हो रही थी सर बैठे बैठे, फिर मैंने पूछा सारा कि सर इसका फिर भी कोई चांस है क्या, तो फिर सर ने बोला नहीं चांस तो अभी भी है, लेकिन ये यहाँ रहेगी तो और कंडीशन खराब होगी, तब फिर हमने इसको यहाँ अभी बेटर है। हमने इसको कल भी सेकेंड हाफ पूरे टाइम हॉइस्ट पे रखा, इसने अच्छे से खाना खाया, पानी वानी भी अच्छे से पी रही है, अभी थोड़ा सा हेड भी अच्छे से वो अपना होल्ड कर पा रही है, वजन ले रहा है जी ना? सर ले रही है, ले रही है, ले रहा है। मैं देखा कि अपडेट्स में अक्सर आप और मैं हमेशा ना जेंडर्स कंफ्यूज कर रहे होते हैं। खैर, ले रही है, ले रहा है, जो भी इसका अपडेट होगा वो हम आपको अगले हफ्ते देंगे।